हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किन केयर विद शफ़क। तो आज मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है लैक्मी की तरफ से लैक्मी परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। तो लैक्मी जो ब्रांड है दोस्तों वो एक वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है एंड माई ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है दोस्तों। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया है तब से मैं इस फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ। ये जो फाउंडेशन है ये आपको इजीली आपके लोकल मार्केट पे अवेलेबल होगी, आप इसे किसी भी ऑनलाइन साइट से परचेस कर सकते हो, आप इसे नायका, पर्पल, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। लैक्मी के काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, बट मेरे पास जो ये फाउंडेशन है वो ओरिजिनल है। आप इसके प्रिंट पे स्क्रैच करते हो तो ये निकलती नहीं है, बट जब आप फेक प्रोडक्ट के प्रिंट पे स्क्रैच करते हो तो वो इजीली निकल जाती है एंड जो फेक प्रोडक्ट की जो लीड होती है वो पर्पलिश कलर की होती है, बट जो रियल प्रोडक्ट होती है उसकी जो लीड होती है वो मरूनिश कलर की होती है एंड फेक प्रोडक्ट पे सेड नेम भी मेंशन की हुई नहीं होती है, बट जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उस पे मेंशन की होती है शेड रेंज। एंड अब बात करते हैं इसके सेल्फ़ लाइफ की, जो इसकी जो सेल्फ़ लाइफ दी गई है वो 30 मंथ की दी गई है दोस्तों एंड इसकी जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ की है एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 27 ml की क्वांटिटी में आता है। सो अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करती है। तो इस पे लिखा है कि परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड्स इजिली इन टू योर स्किन टू क्रिएट ग्लोइंग सॉफ्ट फेदर लाइक फिनिश। तो ये क्लेम करती है कि जब आप इस फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो ये इजीली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाती है दोस्तों एंड आपके फेस पे एक ग्लोइंग एंड फेदर लाइक फिनिश प्रोवाइड करती है। एंड इस पे लिखा है कि ये ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, विटामिन सी के साथ सॉरी विटामिन ई के साथ ये प्रोडक्ट आता है विच इज़ गुड बिकॉज विटामिन ई जो होती है वो हमारे स्किन को काफ़ी अच्छे से नरिश करती है। एंड इस पे लिखा है कि ये वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है एंड इस पे लिखा है कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो इसको आपको इसको शेक कर लेना है। इसमें लिखा है कि शेक विल बिफोर यूज़ करने से पहले आपको इस तरीके से इसको शेक कर लेना है। सो अब बात करते हैं इसके शेड की। तो इसमें जो मेरा शेड है वो है नेचुरल मार्बल फॉर फेयर टू विटिस स्किन टोन के लिए ये शेड है दोस्तों एंड इसमें 4 शेड ही आते हैं। तो जो विटिस एंड डस्की स्किन टोन वाले पीपल हैं उनके लिए इसमें उतने अच्छे शेड रेंज अवेलेबल नहीं है। सो अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो एक ग्लास बॉटल में आती है दोस्तों एंड इसकी जो लीड है वो कुछ इस तरीके की आती है, इसमें किसी तरीके की कोई पम्प पैकेजिंग नहीं आती है एंड इसकी जो लीड है जब आप इसको शेक करते हो तो इसकी जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाती है, बट इट्स ओके, 150 रुपीज़ में आपको एक अच्छे ब्रांड में एक अच्छा फाउंडेशन मिल रहा है। सो अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। तो इसकी जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा रनी इन टेक्सचर में भी नहीं है, इन बिटवीन वाली टेक्सचर है इसकी एंड जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हो दोस्तों तो ये इजीली आपके फेस पे स्प्रेड हो जाती है एंड आप इसे किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर या किसी भी मेकअप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों एंड अगर आपके पास कोई भी मेकअप टूल्स नहीं है तो आप इसे अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो एंड ये इजीली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाती है एंड दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर एवरीडे यूज़। सो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कौन से स्किन टाइप्स के लिए अच्छी फाउंडेशन है। तो ड्राई एंड नॉर्मल स्किन टाइप्स वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन उनके फेस पे 5 to 6 hours तक स्टे करती है, बट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले के लिए ये फाउंडेशन सच उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ये 2 से 3 घंटे में ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मेरी जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन टाइप है दोस्तों एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप इसको अप्लाई करो तो ऑयली स्किन वाले एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले पीपल अप्लाई करने के बाद आप इसे किसी भी अच्छे लूज पाउडर या किसी अच्छे कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ सेट कर लो जिससे कि ये आपके फेस पे काफ़ी टाइम तक स्टे कर सके।
सो अब बात करते हैं इसके कवरेज की दोस्तों। तो ये फाउंडेशन की जो कवरेज है ये मीडियम कवरेज है, काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज की नहीं है ये फाउंडेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देती है दोस्तों। एंड अगर आपके फेस पे किसी तरीके का ब्लैमिश है, ये आपके फेस पे पिंपल्स के मार्क्स है, तो ये जो फाउंडेशन है ये उसको उतनी अच्छे तरीके से हाइड नहीं कर सकती है, मीडियम कवरेज देती है ये। बट जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या जिनको रेगुलर मेकअप करना पसंद है या फिर जिनको नेचुरल सा मेकअप करना पसंद है, उनके लिए ये फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड दिस इज़ द बेस्ट फाउंडेशन फॉर एवरी यूज़ के लिए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो इस प्रोडक्ट पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी भी अदर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।